नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लैग ऑन गेमिंग में। तो आडिया टू के लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा ही था कि हम जो है यहाँ पर गए थे ट्रिलोनी के पास एक पोस्ट ऑफिस में, और जो पोस्ट ऑफिस वाला जो बंदा होता है ना उसे हम पैसे दे देते हैं और वो जो है हमें एक जगह का नाम बताता है, यानी कि जगह का नाम नहीं होता, स्टेज कोच के आने और जाने का रास्ता बता देता है। और जो वो स्टेज कोच होती है वो यहाँ पे होती है ओपेरा सिंगर की। तो हम जाते हैं उसके पास और उसकी जो स्टेज कोच है वो यहाँ पे लूट लेते हैं। उसको लूटने के बाद यहाँ पे हम ट्रिलोनी को उसका हिस्सा दे देते हैं और फिर हम जाते हैं यहाँ पर होसिया के पास। और जो होसिया होता है ना वो यहाँ पर अपना मैडम ब्रेथवे के पास रहता है अपने उसके घर पे। तो हम वहां पर जाते हैं और उसके साथ यहाँ पे हम सोन के साथ वापस आ जाते हैं ग्रे के घर में जाने के लिए। तो हम जो है अपनी बैलगाड़ी लेकर चल लेते हैं ग्रे के घर में, और वहां पर ग्रे के घर में तो नहीं जाते एक्चुअली, उसकी बान हाउस में चले जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद हम मूनशाइन को लेकर जाते हैं और मूनशाइन को हम एक बोतल में भर के उसमें आगे चला देते हैं। और उसके बाद उनके यहाँ पे जितने भी टोबैको के फार्म्स होते हैं उनमें मूनशाइन को जलाकर फेंक देते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से जो है जल जाते हैं और वो जो है हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो आज से जो है हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर जो है रात का टाइम हो रहा है, अभी हम अपने कैंप पर ही हैं पानी के पास। अभी जस्ट मैंने अपना मुंह धो लिया है क्योंकि काफी दिनों से अपना मुंह नहीं धोया था, और शेविंग तो मैं करता ही नहीं हूँ, आपको तो पता ही है, और नहाना तो बहुत दूर की बात है, मैं नहाता तो हुई नहीं हूँ। और राइट, मतलब मैं असलियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस गेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुझे आज जो है माइका के पास जाना था, क्योंकि लास्ट टाइम ना माइका हमारे कैंप पर आ गया था बट मैं जो है उससे मिल नहीं पाया था। और आपको तो पता है जो माइका है उसके सारे यहाँ पर रंग बंग पूरे ट्रेवर जैसे हैं। ऑलरेडी ये माइका ही बैठा है ना, ठीक है ये रहा माइका, इससे जो है बातचीत कर लेता हूँ मैं। यार टोपी को लगाया रात का टाइम है। Blessed are the peacemakers, for they shall be called. Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you or me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch. You tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town, and things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. एक सेकेंड, यहाँ पर ये O'Driscoll से लड़ने की ट्रेनिंग ले रहा है क्या काफी दिनों से? Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch, do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parlay? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap. You shoot a lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you've gotta take. I killed Combe's brother a long time ago. Then he killed a woman I loved dear. ठीक है, तो यहाँ पर डच ने जो है कॉम ऑटरस्कूल के भाई को मार दिया, और उसके बाद कॉम ऑटरस्कूल ने इसकी मतलब इससे प्यार करता था डच, उसको मार दिया। Let's go. You and me with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. All right, तो यहाँ पर हम मोटे कद्दू को नहीं लेके जा रहे हैं अपने साथ, और यहाँ पर शायद से मेरे हिसाब से हम O'Driscoll के मारने जा रहे हैं, कॉम O'Driscoll। All right, माइका भी हमारे साथ जा रहा है, डच हमारे साथ जा रहा है, बस और तो कोई हमारे साथ नहीं जा रहा है। हौसिया वहाँ बैठा हुआ है पियर्सन के साथ, यानी कि पियर्सन जो है अब हौसिया के साथ बैठ चुका है, और अभी यहाँ पर हमें जो है इस माइका को फॉलो करना है, क्योंकि शायद से इसको कोई जगह पता चली है और शायद से वो एक तरीके का जाल भी हो सकता है। लेकिन अब उस जाल के बारे में तो हमें यहाँ से पता नहीं चलने वाला है, वो तो हमें वहाँ पर जाकर ही पता चलने वाला है। मेरे हिसाब से ना इसको रात का इंतज़ार कर लेना चाहिए था, मतलब सुबह का। I can barely remember a time when it was different. You're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right.
Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us? Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head, hmm? Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll? There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah, yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माइका है ये अभी कॉम ओड्रिस्कल के पास जा रहा है और ये चाहता है कि यहाँ पर हम जो है इसको प्रोटेक्ट करें, इसको और डच को, क्योंकि यहाँ पर कॉम ओड्रिस्कल के मिलने के लिए यहाँ पर माइका और डच जाने वाले हैं। और यहाँ पर हम कब तक भागते रहेंगे यार, पहले उस लेवेक तक से भागो, फिर उस पिंक कस्टर्स से भागो, जो भी है वो क्या नाम है उसका, पिंक कस्टर्स, हमेशा भागते रहेंगे। पहले हॉर्शी ओवरलुक से भागे, फिर यहाँ पे हम ब्लैक वाटर से भागे, क्या मतलब है भागते रहने का। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आदमी वगैरह हैं मेरे हिसाब से, ये जो बंदे हैं ना ये यहाँ पर कॉम और स्कूल के बंदे लग रहे हैं, वो ना उस साइड चले गए क्योंकि यहाँ पर तो डियर है लेफ्ट साइड में। एक सेकंड, यहाँ पर ये माइका किधर जा रहा है, अबे उधर किधर जा रहा है यार, मैं भी आ रहा हूँ। मुझसे बोलता है कि यहाँ पर उस बंदों को देखो, और जब मैं बंदों को देखने लगता हूँ तो यहाँ चलने लगता है, क्या बात है यार माइका। Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big, caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Cole O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation, men created equal, liberty and justice for all, that might be nonsense too. ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुबह भी हो चुकी है, मैं सोच रहा था कि हम सुबह निकलेंगे, बट चलते चलते सुबह हो गई, क्या दिक्कत वाली बात है यार। Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. All right, cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों जाने वाले हैं और मुझे जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना है जहाँ से कि मैं एक पॉइंट ले सकता हूँ। और ये अभी लाइट कैसे जली थी, शायद से सन की लाइट होगी। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये दोनों जो है डच और ये जो माइका है ये यहाँ पर अकेले जाने वाले हैं कॉम ओड्रिस्कोल के डैन के अंदर, यानी कि उसकी गुफा के अंदर। और यहाँ पर अपने घोड़े को कुंदा देता हूँ मैं, मुझे एक पोजिशन ले लेनी है और मेरे हिसाब से ये वाली जो पोजिशन है वो एकदम बेस्ट पोजिशन रहेगी। ऑल राइट, और मेरे पास वो राइफल भी है और मेरे हिसाब से सामने की तरफ ही है क्या वो कॉल्म ओड्रिस्कोल की जगह। एक सेकेंड, ये रहे नीचे की तरफ दोनों के दोनों। अभी यहाँ पर जो है मुझे इनको देखते रहना होगा, क्या कर रहे हैं भाई ये। ठीक है, ये दोनों के दोनों घोड़े पर से तो उतर गए हैं और घोड़े भी यहाँ पर हैं, बट आसपास तो जो है मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये बंदे हैं, ये शायद से कॉम ओड्रिस्कोल के बंदे ही हो सकते हैं। और ये क्या, एक सेकेंड, ये सही है, कोई भी गलती होगी ना तो मैं यहाँ इनको टपका दूंगा। ऑल राइट, यही है कॉम ओड्रिस्कोल, एकदम डच जैसे कपड़े पहन के आया है। श्योर, सो हाउ इज योर गैंग डूइंग? दे स्टिल बिलीव इन यू, बेटर वर्ल्ड, प्योर वर्ल्ड, हाउ इज दैट कमिंग अलोंग? जस्ट फाइन। हाउ इज दैट स्कोर यू स्टोल ऑफ अस? Which one? Oh, like एक सेकंड, इस हमने ना इसके कैप में से डायनामाइट चुराए हुए थे, तो शायद उसी के बारे में बात कर रहे हैं।
lot of heat on us this time. All right. मेरे हिसाब से मेरा जो काम है वो अभी आने वाला है. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. ठीक है, तो जिस लड़की से प्यार करता था डच, उसका नाम यहाँ पे एनाबेल था. अब एनाबेल तो एक मूवी भी है. एनाबेल ही तो है. जरा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि उसका नाम एनाबेल ही है शायद. ऑल राइट, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? ऑल राइट, ये क्या हुआ? निगाहें हटी और दुर्घटना घटी, ये तो वही काम हो गया. ऑल राइट, ये मुझे मार रहे हैं, ये तो गलत हो गया. यानी कि यहाँ पर जो है हमें ऑर्डर स्कूल के लोगों ने पकड़ लिया है और यहाँ पर ये तापने में लगे हुए हैं. मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से भागना चाहिए अभी. मेरी हेल्थ वगैरह तो सब कुछ कम है एकदम. ठीक है, मैं किधर जाऊँ? मैं यहाँ से मुझे सीधे सीधे चल लेना होगा. मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा. ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने फिर से गोली मार दी मुझे. अभी फिर से पिटाई करेंगे यार, ये तो ठीक है. तो उन्होंने गोली तो मार दी थी, बट फिर भी मैं जिंदा हूँ क्या? शायद से इन लोगों ने मेरी बॉडी को पानी में फेंक दिया, या फिर मैं घोड़े के ऊपर हूँ या घोड़े पे लटका हुआ हूँ पीछे की तरफ. मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है, लेकिन अगर उन्होंने मुझे गोली मार दी तो मैं कैसे लटका हो सकता हूँ? एक सेकंड, ये मुझे रस्सी से बांध के लेके आए. इनकी ऐसी कम तैसी. ये फिर से कॉम ऑर्डर स्कॉल है और इसने ना मुझे अपनी एक कमरे में बंद कर दिया है. तय खाने कह सकते हैं. अरे यार, ये अच्छा नहीं हुआ. Arthur Morgan, it's good to see you. Hello, Gorn. एक सेकंड, इन्होंने उल्टा लटका कर रखा है. Hardly feel it. You will. Septic. Say nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why are you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Colm. No. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है मुझे अभी एक ऑफर दे रहा है इसके साथ काम करने के लिए, और ये मुझे मार भी रहा है. अगर मैं इसके लिए काम नहीं करूँगा तो शायद से मुझे मार देगा. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Colm, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him, they forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. Let's see, we lure an angry Dutch in to rescue you, grab all of you and hand you in, then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Oh, Arthur. Arthur. I missed you. एक सेकेंड. नहीं नहीं, अबे यार. पहली बार पिटाई होते देख रहा हूँ मैं आर्थर की. नहीं तो सबकी आर्थर ही बजाता है सबको. तो ठीक है, तो अभी भी मैं उल्टा ही लटका हुआ हूँ. मुझे अपनी रस्सी काटनी पड़ेगी जैसे जैसे करके, बट काटूंगा कैसे? इतनी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया ये. ऑल राइट, तो मैं जो है अभी स्विंग कर सकता हूँ.
ठीक है ऑल राइट, ये उठा लिया मैंने चक्कू और जी काट दिया अपने पैरों की रस्सी। अभी सही है, मतलब अब मैं निकल सकता हूँ। ये भी पागल है, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाए ऐसे तो। एक सेकेंड, ये अभी मुझे जो है इसको हीट करना पड़ेगा, इस नाइफ को। शायद से उन्होंने मुझे गोली मारी है तो मुझे इस गोली को निकालना पड़ेगा। कंधे में गोली मारी है इनकी तो, क्या मजाक कर रहा है ये। ठीक है, मुझे मेरे हिसाब से मुझे गोली को निकालना पड़ेगा, लेकिन ब्लड भी बहुत निकल रहा है। ऑल राइट, एक सेकंड, तो मैंने गोली निकाल ली है। ये क्या कर रहा है, एक सेकंड, ये यहाँ पे जख्म को भरने के लिए ये यहाँ पर ऐसा कर रहा है। ठीक है, अभी जला देगा उसको जिससे कि वो सही हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है इस कैंडल को, और मेरे हिसाब से जो है अभी यहाँ पर, ओ सेकंड, मैं वही सोच रहा था इसको मुझे जलाना पड़ेगा। एक सेकंड, ये कौन आ रहा है। अभी मुझे यहाँ पर छुपना पड़ेगा, लेकिन छुप जाऊँगा तो ये मार देंगे मुझे। मुझे इनको मारना पड़ेगा, इनकी तो आ जा तेरी तो। ये गया, मेरे हाथ में चाकू तो था ही, वो भी गर्मा गर्म। ऑल राइट, ये गया। अभी भी मेरे कंधे में चोट लगी हुई है, और यहाँ पर जो है मुझे तीन जो है नाइफ है वो यहाँ पर मिल चुके हैं। मेरे पास कुछ खाने के लिए है क्या, खाने के लिए भी नहीं होगा मेरे पास। और यहाँ पर मेरे पास नाइफ के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि उन लोगों ने ना मेरे सारे के सारे जो वेपन्स हैं ये यहाँ पर ले लिए हैं। अब मेरे हिसाब से मेरे पास कोई वेपन वगैरह है क्या इधर, मुझे यहाँ पर देख लेना होगा, या फिर कोई खाने की चीज़ मिल जाए जिससे कि कुछ हेल्थ वगैरह ठीक ठाक हो जाए। लेकिन यहाँ पर दिख तो वैसे भी कुछ नहीं रहा है, तो मुझे जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ ही चल लेना, क्योंकि नीचे की तरफ एक बंदे को तो मैंने मार दिया है, और मेरे पास सिर्फ अभी चाकू है, और यहाँ पर और भी बंदे हैं ऊपर की तरफ। एक सेकेंड, ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है मुझे हॉर्स के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो हॉर्स है वो उस साइड में खड़ा हुआ है जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, और यहाँ पर ढेर सारे बंदे हैं, सामने की तरफ भी एक बंदा खड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो मुझे ज़रा आराम आराम तो चल लेना चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पर ये जो बंदा है यहाँ पे भी एक बंदा खड़ा हुआ है, इसको सबसे पहले जो है मैं जाके इसको मारता हूँ। आराम आराम से जाऊँगा तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ठीक है, ऑल राइट, ये इसको मैंने मार दिया है। और यहाँ पर शायद बंदूकें वगैरह पड़ी हुई हैं क्या, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ इन सबको देखने से पहले। ऑल राइट, बंदूकें वगैरह जो मुझे मिल चुकी हैं, अपनी पिस्टल यहाँ पर निकाल लेता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर और किसी ने मुझे देख लिया तो उसको भी मुझे यहाँ पे मारना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाह रहा, मैं आराम आराम से, ये मेरा घोड़ा ही है ना, ठीक है यही है मेरा घोड़ा, इसके ऊपर बैठ के सीधे सीधे जो है यहाँ से निकल लूँगा। और अगर कोई मेरे पीछे पड़ेगा तो उनको जो है मैं यहाँ पर रिवॉल्वर से मार दूँगा। ऑलराइट, ये बैठ गया मैं, और यहाँ से जो है अभी मुझे निकल लेना चाहिए फटाफट से, इन लोगों को पता भी नहीं चला। और मैं जो है यहाँ से निकल भी चुका हूँ, यहाँ से शॉर्टकट है क्या, ठीक है मैं यहाँ से शॉर्टकट ले लूँगा। पानी के रास्ता, अरे यार यहाँ तो पानी का रास्ता है, यानी कि यहाँ पर जाना मुश्किल है। एक सेकंड, यहाँ पर फिर भी कोई रास्ता वगैरह तो होगा ना शॉर्टकट वाला, बस ये रास्ता ख़त्म ना हो जाए। रास्ता ख़त्म हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे लिए कुछ खाने के लिए है क्या मेरे पास, ठीक है तो कुछ कॉफ़ी है मेरे पास, और इसके अलावा यहाँ पर, एक सेकंड, मेरे पास सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं खाने के लिए, तो फटाफट से इन सारी चीज़ों को यहाँ पर खा लेता हूँ थोड़ी देर यहाँ रुक के, जिससे कि मेरी जो हेल्थ है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी। ऑल राइट, एक बार एप्पल खा लेता हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं खाना चाहिए मुझे, एप्पल खाऊंगा तो ज़्यादा हेल्थ नहीं बढ़ेगी। ऑल राइट, तो कोई ऐसी चीज़ खा लेता हूँ जिससे कि मेरी जो हेल्थ है एकदम जल्दी से बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं जिससे मेरी जो हेल्थ है एकदम जल्दी से बढ़ सकती है। अबे यार, एक सेकेंड, फिर तो मुझे टॉनिक वगैरह लेना पड़ेगा। ऑल राइट, तो मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगी फाइनली। यहाँ पर मैंने पी तो लिया बट इसका कुछ असर वगैरह नहीं हुआ है। और कुछ है क्या मेरे पास, ठीक है इसको पी के देखता हूँ। ऑल राइट, इससे थोड़ा सा जो फ़र्क है वो आ गया है, लेकिन अभी भी जो मेरी मेन हेल्थ है ना वो अभी भी खाली है यहाँ पे, इसलिए मुझे ये खा लेना चाहिए बीट रूट, इससे हेल्थ काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ती है। थोड़ी बहुत और खा लेनी चाहिए,
वैसे तो मेरे पास सिर्फ एक ही बची हुई है, लेकिन फिर भी एक सेकेंड, यहाँ पर और कुछ है क्या? एप्पल से तो मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, बिस्किट से थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, तो बिस्किट ही खा लेना चाहिए। ठीक है, और थोड़ी सी खा लेना चाहिए, क्योंकि अभी ना मुझे यहाँ पर बहुत सारे जो चोटें वगैरह हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और इनको रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। फाइनली जो मेरी हेल्थ है वो तो यहाँ पर पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, और मेरे हिसाब से आगे जगह जो है रास्ता नहीं है, तो मुझे जो है पीछे की तरफ से जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे मैं नीचे की तरफ से चलता हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ से जाऊँगा तो ये लोग जो है मुझे पहचान लेंगे। ऑलराइट, मेरे हिसाब से मैं जो है अपने घोड़े के ऊपर बैठ बैठ के जो है वो वाला जो एरिया है ना वो जो है मैंने छोड़ दिया है, और अभी यहाँ पर रात हो चुकी है, मैं अपने घोड़े के ऊपर ही अभी तक लेटा हुआ हूँ, और मेरे हिसाब से इसी तरीके से जो है मैं अपने क्लेमेंस पॉइंट पर पहुँच सकता हूँ। बट यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा कि जो डच है वो किधर है और जो माइका है वो किधर है। मेरे हिसाब से उन लोगों ने ना उसको यहाँ पे बंदी बना लिया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों यहाँ से भाग गए और उन्हें ना उन लोगों ने यहाँ पे हमें कैदी बना लिया हो। अब मैं यहाँ पे कैब में आ तो चुका हूँ, अगर वो दोनों जो यहाँ पे होंगे तो पता चल जाएगा, नहीं होंगे तो हमें जो है उनको भी छुड़ाने के लिए जाना पड़ेगा। I told you it was a setup, Dutch. My boy. एक सेकेंड, ये डच है यहाँ पर आ चुका है। इसको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रही है मुझे अब इसके ऊपर, मतलब ये हमें छोड़कर आ गया और हमें बचाने भी नहीं आया। ऊपर से माइका को तो मैं उसकी खोपड़ी फोड़ने वाला हूँ, मुझे दिखे तो वो। I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson. Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. माइका किधर है? मुझे माइका दिखाई नहीं दे रहा। You're safe now. उसको तो मैं पिस्टल से मार दूंगा अपने। दिखाई तो दे। That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. अच्छी बात तो ये है कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो हमारे घोड़े के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसी वजह से वो जो घोड़ा है वो हमें यहाँ तक लेकर आ गया, नहीं तो वो जो है हमें यहाँ तक लेके भी नहीं आता, और कहीं और लेकर चला जाता तो वहाँ पे हमें कोई और बंदे पकड़ लेते और फिर जो है वो हमें मार देते मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हमें यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर ढूंढने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ हफ्तों बाद शायद से अब तक तो जो आर्थर है वो ठीक भी हो गया होगा। ठीक है, अभी तक पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुआ है, फिलहाल बैठा हुआ है। I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, River. Good. How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. ठीक है, तो वो जो कॉम ऑर्डर स्कूल के जो बंदे थे वो अभी भी हमें वहाँ पर ढूंढने में लगे होंगे कि, और वो जो कॉम ऑर्डर स्कूल जो गैंग का लीडर होगा ना वो अपने बंदों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर तो जो है मेरी हालत बुरी तरीके से ख़राब कर दी थी, वहाँ नहीं जाने वाला मैं कॉम ऑर्डर स्कूल से मिलने के लिए, डच से भी मैं ज़्यादा दूर ही रहूँगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर डच के आसपास मैं जाऊँगा ना तो ये ना मुझे किसी मुसीबत में पड़वाने वाला है और फिर मुझे बचाने भी नहीं आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको शायद पता ना हो कि हमें जो है उन लोगों ने पकड़ लिया है, क्योंकि हम तो इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर थे ना इसी वजह से। ठीक है, ये आगे की तरफ कौन है? शायद से कोई बातें चीतें कर रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पर ये कोई खड़ा हुआ है या फिर बस मुझे पेड़ ही नज़र आ रहा है? शायद मैं यहाँ नहीं जा सकता। ऑलराइट, कोई ना कोई तो यहाँ पर है वैसे, बट मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, शायद से वो लकड़ी होगी इसी वजह से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे जो माइका है ना वो मुझे अभी कैंप में नहीं मिलने वाला, तो मेरा जो घोड़ा है, मेरा घोड़ा किधर है? एक सेकंड, मैं इनको बताता हूँ। ऑलराइट, मैं माइका को सबसे पहले छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहाँ गया मेरा घोड़ा? अबे मेरे प्यारे घोड़े, तू है किधर? ऑलराइट, वो रहा उस तरफ जो है कैंप में घूमने में लगा हुआ, इधर आ। ओ मिस्टर, जल्दी आ। इसी की वजह से आज जो है मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, नहीं तो यहाँ पर तो मैं पता नहीं किधर होता अभी। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से मुझे जो है यहाँ पर रोड्स के टाउन में जाना चाहिए, और शायद से रोड्स के टाउन में मुझे ये जो माइका है ये वहाँ पर मिल सकता है।
ऑल राइट, फटाफट से यहाँ पर जो है मैं रोड्स के टाउन में चल लेता हूँ। वैसे तो यहाँ पे रात हो रही है, रात हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सुबह भी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो रोड्स का टाउन है ना हमारे लाइक कैंप से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं शॉर्टकट ले लूँगा तो शायद से जल्दी पहुँच जाऊँगा। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इतनी जल्दी आ भी गया, मैं सोच रहा था यहाँ पर टाइम लग जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं बहुत जल्दी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो माइका है वो मुझे शायद अपने टाउन में मिलने वाला है या फिर शायद मैं नहीं आया, तो फटाफट से मैं ना यहाँ पे रोड्स की टाउन में पहुँच जाता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं रोड्स के टाउन में तो पहुँच चुका हूँ और अभी जो है मुझे यहाँ पर मिलने जाना है इस माइका से। माइका ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा? एक सेकेंड, यहाँ पर बिल बैठा हुआ है। बिल क्या कर रहा है भाई इतनी रात को, वो भी बैंक के पास? शायद से चोरी करने तो नहीं आए यहाँ पर, या फिर हो सकता है ग्रेस से बातचीत करने के लिए आया हूँ। ये रहा माइका, इसकी तो मैं तो चुप हो जा। Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना ग्रे से मिलने के लिए जाना है, बट मैं इस माइका को कैसे जाने दूँ या नहीं जाने दूँ, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स से बताओ कि मैं इस माइका को जाने दूँ या फिर नहीं जाने दूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रही है इसके ऊपर। यही लेके गया था डच को और मुझे। Now come on. This seems legit to you, Bill. Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see. ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रे है वो यहाँ पे हमें उससे मिलने के लिए जाना है और शायद से ये लोग किसी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने उनकी यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पे जला दी है, क्योंकि हमने उनका टोबैको का फील्ड जला दिया, उनके घोड़े चुरा लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी मुझे वो काम नहीं देने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो मुझे मार देगा या फिर ये हम सबको मार देगा? एक सेकेंड, ऑल राइट, यहाँ पर ये प्लान था। ऑल राइट, मैं सोच ही रहा था जो शॉन है उसको तो यहाँ मार ही दिया इन लोगों ने, इसकी तो निकल इधर से, तू भी निकल इधर से। ये छत के ऊपर क्या बैठा है तू, बंदर की तरह? ऑल राइट, ये भी गया, ये पड़ा एक हेडशॉट। अगर ये हेडशॉट पसंद आया ना तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर दो। ऑल राइट, ये छत के ऊपर किधर से चढ़ रहा है भाई ये? ऑल राइट, और तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है मुझे। सबके सब मर चुके हैं क्या? एक सेकेंड, इसकी तो ये गया, ये गया। ऑल राइट, ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने सबको मार दिया आगे की तरफ, अभी यहाँ पे पीछे की तरफ भी मारना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एकदम दूर दूर हैं, तो मुझे जो अपनी ये वाली गन है ना ये यहाँ पर निकाल लेनी चाहिए। ऑल राइट, ये गया, ये क्या कर रहा है भाई, निकल इधर से। ऑल राइट, ये भी गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें गन स्टोर के अंदर की तरफ जाना है, शायद से इसके पास जो गोलियाँ वगैरह वो ख़त्म हो गई हैं। ऑल राइट, ये रहा, निकल इधर से। इस बात पे अगर अभी तक लाइक नहीं हुआ ना वीडियो को तो जल्दी से लाइक तो ज़रूर तो कर दो। ऑल राइट, सामने की तरफ एक और आ गया है, इसको तो शायद से इसकी टोपी मैंने उड़ा दिया फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें इसके अंदर जाना है, उसके अंदर जाने के लिए मेरे हिसाब से किधर से जाऊँगा मैं, एक सेकेंड, पीछे की तरफ से जाना पड़ेगा। ऑल राइट, अबे इसकी तो, तेरी निकल इधर से, बहुत बन रहा है, ये खुल गया है। ठीक है, फाइनली इसकी तो निकल, तेरी तो निकल इधर से। मुझे अभी अपनी जो पिस्टल है ना ये निकालनी चाहिए। ठीक है, निकल इधर से। ऑल राइट, यू गेटिंग स्लॉपी मॉर्गन, यू सी दैट विंडो इन शॉस स्कल, डोंट टॉक टू मी अबाउट स्लॉपी। अभी यहाँ पर और भी बंदे आ चुके हैं, इनकी तो ये गया। ये भी गया, यहाँ पर और भी बंदे हैं। चलो यहाँ पे ना अभी हमें अच्छा खासा जो कवर है ना वो यहाँ मिल चुका है। ठीक है, मुझे अपनी दूसरी वाली गन जो है ये निकाल लेनी चाहिए अब। Always get
मेरे हिसाब से जो विल है वो भी मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये गया, क्या मारा इसको मैंने। ऑल राइट, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। कितने बंदे हैं भाई इधर। ये भी गया। मेरे हिसाब से मैंने ना सबको मार दिया है। ठीक है, तो जो माइका की टोपी है ना ये भी यहाँ पर उड़ चुकी है, मतलब कि उन ग्रे ने यहाँ पे हमारे लिए एक जाल बिछा के रखा हुआ था और वो यहाँ पे शायद से मुझे मरवाना चाहता था हम सबको। ये आवाज किधर से आ रही है, इधर से आ रही है शेरिफ के घर से। निकल बाहर, नहीं तो तुझे बताऊं मैं। We put down far worse than you, 100 times over. This is the Gray's town. Always has been, always will be. Only Gray's I see left around here is you. ठीक है। You want us to come out? We'll come out. All right. एक सेकंड, इसने बिल को पकड़ लिया है, इसकी तो। Don't do it. You know we can't do that. You put the gun down, Sheriff. I'll blow his brains out. You want to join your little friend there, do you? Either way, you're a dead man. Morgan? एक सेकंड, इसकी तो निकल इधर से, तू भी निकल इधर से। ऑल राइट, ये भी गया। फाइनली जो विल है इसको हमने बचा लिया है। ऑल राइट, और यहाँ पर जो हमारा जो शॉन है ना, ये यहाँ पर मर गया बेचारा। Well, how the hell was I to know? मतलब यहाँ पे डच ने ना हमसे मना किया था रोड्स में गन बंदूक वगैरह नहीं चलाना, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पर हमला हुआ है तो चलाना तो पड़ेगा ना, सेल्फ डिफेंस है। He was out trying to find a lead, same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out, except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. इसमें मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें शॉन की बॉडी को लेकर जाना होगा, क्योंकि हम जो है इसको दफनाना होगा अभी, क्योंकि हमारा गैंग का बंदा था इसी वजह से, और ये जो है बिल इसको कैंप में जाके छोड़ देगा। और इस माइका से तो मैं क्या बोलूँ, इससे तो बात ही करना बेकार है, जब देखो जब चैटता रहता है। चैटू, ठीक है, तो यहाँ पर सारे ग्रेस की जो बॉडी है वो यहाँ पे ईगल वगैरह खाने में लगे हुए हैं, इनको खाना वगैरह बहुत मिल चुका है रोड्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने माइका से भी मिल लिया है, और मेरे हिसाब से अभी जो है मैं अपने कैंप में तो नहीं हूँ। एक सेकेंड, मेरा घोड़ा किधर है? और ऑल राइट, वो रहा, अपने घोड़ी पर फटाफट से बैठ जाता हूँ, क्योंकि ऐसे ना मुझे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है हमें ढूंढने में लगे हुए हैं। एक तो वो लैविक्टर्स कॉर्नवेल के प्राइवेट आदमी, और यहाँ पर अभी कॉम ऑर्डर स्कूल भी ढूंढने में लगा हुआ है वो और उसके प्राइवेट आदमी, तो हमें जो है यहाँ पर थोड़ा बच के रहना होगा, ऐसे बाहर की तरफ नहीं घूमना होगा। इसी वजह से मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी जहाँ वो है मुझे यहाँ पर कैंप के अंदर चल लेना चाहिए, क्योंकि कैंप के अंदर ना हमारे काफ़ी सारे साथी, अगर वहाँ पर कोई हमला भी करता है ना तो हमारे जो बाकी के साथी हैं वो यहाँ पर उनसे निपट लेंगे। ऑल राइट, तो मेरे हिसाब से मैं अपने कैंप में आ चुका हूँ, बट इतनी ओस क्यों हो रही है आजकल। ऑल राइट, अपने घोड़े को तो मैं यहाँ पर हिच कर देता, बट यहाँ क्या भाई सुनसान हो गया क्या, कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे। ऑल राइट, ये बैठे, उसके चक्कर में ना यहाँ पे कोई नज़र भी नहीं आता है। ये शायद से मेरे हिसाब से पियर्सन होगा, मोटू या फिर वेल होगा। ऑल राइट, ठीक है, यहाँ पर सबके सब आराम से बैठे हुए हैं। ये माइका लग रहा है मुझे, ये माइका ही है ना तेरी, तो माइका है ना तू, ये माइका ही है, ये माइका ही है। मैं इसके पास नहीं बैठने वाला, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। ऑल राइट, तो ये जो डच क्या कर रहा है अभी, एक सेकंड, यहाँ पर मीटिंग चल रही है क्या?
ठीक है तो मीटिंग में आए हुए सबके सब और माइक उधर बैठा हुआ है अकेला। Have you seen that boy, Jack? No. Where's my goddamn son? एक सेकंड इसका बेटा किधर गया? Where's my son? They took him, didn't they? They took my son. Who took him? We think the Braithwaite woman took him. Oh. Like Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. एक सेकंड फिर इसके बेटे को जो जैक बेटा था ना जिसके साथ हम फिशिंग करने गए हुए थे उसको यहाँ पर कोई ले गया है। We will find him. और हौसले के हिसाब से ब्रेथवेट वुमन ले गई है उसको ब्रेथवेट और उसके बंदे और यहाँ पे जो जॉन है ये काफी ज्यादा गुस्सा होने वाला है क्योंकि इसी का बेटा था वो जैक। You have my word. Just get me back, my son. I will get that boy back, so help me God. Right now. Dutch, we just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up. एक सेकेंड आजकल तो यहाँ पे लड़ाई चल रही है और यहाँ पे उसका बेटा है तो मुझे ना यहाँ पे डच के साथ जानी पड़ेगा क्योंकि एबिल गेल और जॉन का बेटा है ना इसी वजह से। ठीक है तो यहाँ पर तो जो है मुझे इनके साथ चलना पड़ेगा फिलहाल के लिए। और अगर वो जो ब्रेथ वुमेन इसको ले गई होगी जैक को तो उसके पास तो काफी सारे आदमी भी हैं। ठीक है तो यहाँ पर ये जो है बातें करने में लगे हुए हैं शॉन के बारे में कि शॉन को जो है इस तरीके से नहीं मारना था ग्रे को। और वो जो हमारे कैंप पे कैसे आ गए मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि जो जैक है वो हमारे कैंप से तो कहीं बाहर जाता नहीं है क्योंकि छोटा सा बच्चा है वो घोड़े तो चला नहीं पाता ना। शायद वो हमारे कैंप के अंदर घुस गए होंगे और उसके बाद जैक कर लेके गए होंगे। बट हमारे साथ यहाँ पे काफी सारे आदमी भी जा रहे हैं यानी कि अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वहाँ पे कितने भी आदमी हो तो हम सबको देख लेंगे। और हमारे पास तो जो स्नाइपर है वो भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है तो यहाँ पर हमें जो है डच के साथ चलना है और सामने जो है ब्रेथवेट का मैडम ब्रेथवेट का जो मेंशन है वो यहाँ पर आ चुका है बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने की तरफ कोई भी नहीं है उनके गार्ड वगैरह। ऑल राइट तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर डच की जो बात है वो यहाँ पर माननी पड़ेगी। जब तक डच नहीं कहता मारने के लिए गोलियाँ वगैरह चलाने के लिए जब तक हम जो गोलियाँ वगैरह है वो भी यहाँ पर नहीं चला सकते हैं। मेरे हिसाब से जो डच है वो सबसे पहले मैडम ब्रेथवेट से बात करेगा। और जो हौसिया है उसने यहाँ पर देखा है कि जैक को उसके आदमी लेकर गए तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो सकती है या फिर वो हमसे कुछ चाहती हो। ठीक है तो यहाँ से जो अभी हम पैदल जाने वाले हैं अपने घोड़े पर से उतर के। All right. Bit late for that, ain't it? Quiet. We're going to fix this right now. Like they don't know we're coming. यहाँ पर उनके गार्ड भी नहीं खड़े हुए हैं। Let's get this done, John. You sure you're okay? Like I said, I'm fine. Follow my lead. Both these redneck families think they can ruin us? I don't think so. ठीक है अभी उसकी मैडम ब्रेथवेट की यहाँ पे मौत आने वाली है। There they are. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. Don, I need you to stay calm. ये आवाजें कहाँ से आ रही है भाई गाना गाने की? ओपेरा सिंगर है क्या कि यहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है? You inbred trash! What the hell do you want? All right, तो इनके बंदे भी आ चुके हैं। गाना तो मस्त चल रहा है अंदर। आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business, now should you? Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land. एक सेकंड ऊपर से कौन आया ये? All right, तो और बंदे आ चुके हैं शायद से ये जो है लड़ाई चाहते हैं। और अभी गाना गाना भी बंद हो गया है। If you ain't gonna be civilized about this. ठीक है
अभी यहाँ पर जो है कवर ले लेना चाहिए। एक सेकेंड, अभी इनकी मौत आ गई। निकल इधर से, तू भी निकल इधर से। या क्या आँख में मैंने क्या शॉट मारा। ऑल राइट, सबसे पहले उस ऊपर वाले को मारना चाहिए। ये भी गया। ऑल राइट, अभी यहाँ पर ये भी गया, ये भी गया। सबको यहाँ पर जो हेडशॉट है ये मैं बजाने वाला हूँ आज। एक सेकेंड, ये भी गया। ऑल राइट, ये भी गया। ऑल राइट, ये भी गया फाइनली। और कोई आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें डच के साथ जाना है फिलहाल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जॉन है यहाँ पर ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पर अभी हमें अंदर की तरफ सर्च करना है जैक के लिए। और यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे जो पिस्टल है ये निकाल लेनी चाहिए। अगर कोई छुपा होगा यहाँ पे तो हम देख लेंगे उसको। ऑल राइट, ये गेट क्यों नहीं खुल रहा? इसकी तो खुल। एक सेकंड, इसकी तो निकल इधर से। मतलब ऐसे छुपके मारेगा मुझे? आर्थर मॉर्गन है मेरा नाम। कवर मवर सब एकदम लेके बैठा था ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो हौसी है ना वो मुझे बुला रहा है ऊपर। ऑल राइट, ये शायद सामने की तरफ। एक सेकेंड, ऑल राइट, इनकी तो मैं क्या बताऊँ इनको, तो मैं रुक जाओ, इनकी तो मैं बताता हूँ इनको आज। या फिर मैं ना इनको सोच रहा हूँ स्नाइपर से मारूँ। स्नाइपर तो मेरे घोड़े में लगी हुई है यार। शिट, तो मुझे इसी से मारना पड़ेगा। निकल इधर से, निकल निकल निकल। ऑल राइट, ये पड़ा इसको हेड शॉट। और यहाँ पे अंकल जी भी मुझे मारेंगे क्या? ऐसे दिन आ गए आर्थर के। अबे पड़ती क्यों नहीं है? एक सेकेंड, मेरे हिसाब से मुझे जो है वो ड्रिंक ले लेनी चाहिए डेड आई की। अभी आ जाओ, तुम्हारी ऐसी कम तैसी। किधर हो? निकल इधर से, ये भाग किधर रहा है? ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी डाउन। इसको ये डाउन नहीं हो रहा। ठीक है, शायद से वहाँ से किसी ने इनको मार दिया है। ऑल राइट, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। जाना, ठीक है। और कोई है क्या? एक सेकेंड, यहाँ पर और भी बंदे हैं। इसको भी मैंने मार दिया है, इसको भी पूरी तरीके से डाउन हो गया है। ये भी गया, ये भी गया। और तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है अभी मुझे जॉन की हेल्प करनी पड़ेगी। ये रहा जॉन, फटाफट से अपनी जो गन है इसको रिलोड कर लेता हूँ। ऑल राइट, और यहाँ पिस्टल निकाल लेता हूँ। ठीक है, 1, 2 and 3, ये खुल गया। इसकी तो निकल इधर से, निकल इधर से तू भी। दोनों को मैंने एक ही शॉट में टपका दिया है, एक तीर से दो निशाने। इसका तो पूरा जबड़ा हिल गया। ऑल राइट, ये जैक को किधर बंद करके रखा है भाई? ये रही ब्रेथ वे वुमेन, क्या कर रही है तू इधर? निकल बाहर। You want me to kill you too, old woman? You bastards! Where's the boy? We have lived in this house for 120 years. We never had no problems except for Yankees. Where is the boy? Who took him? You killed my sons! Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Oh, I know your time. Common scum. Where is the boy? You filth. All right, we get her out of here. What about Dan? ठीक है, तो इस आर्थर ने, इस डच ने इसके बेटे को मार दिया है। ऑल राइट,
और यहाँ पर जो जैक है वो मेरे हिसाब से इस घर में नहीं है, इस औरत ने ना उसको कहीं और छुपा के रख दिया है। अभी इसको जो है हम अपनी कैंप लेके जाने वाले हैं, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि डच जो है इसको इतनी आसानी छोड़ने वाला नहीं है। इसने काफ़ी बड़ी गलती कर दी, मतलब एक बच्चे को क्यों किडनैप कर लिया यार, नहीं करना था। ऑल राइट, तो इस घर को इस सबने जला दिया है, हौसिया ने इस पूरे घर को आग लगा दिया है। ठीक है, इसको जो हमें बाहर की तरफ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ी देर में जो पूरा घर है ये यहाँ पर चलने वाला है। और जहाँ तक मुझे पता है जो हौसिया है ना, इसने यहाँ पर पूरे में मूनशाइन जो है डाल के रखी होगी, यानी कि मूनशाइन एल्कोहल, जिसकी हेल्प से हमने टोबैको फील्ड चलाए हुए थे ग्रेस के। ऑल राइट, ये घर तो पूरी तरीके से जल चुका है। मतलब कि हमने जो है इनके हॉर्सेस चुरा लिए, इनकी अल्कोहल चुरा ली, तो इन्होंने एक बच्चे को चुरा लिया, ऐसा तो नहीं करते। All right, तो यहाँ पर इसने ना किसी अपने बच्चे को दे दिया था, मतलब इसके लड़के ने जैक को किसी और बंदे को दे दिया है, जिसका नाम कुछ अजीब सा अटपटा है। और यहाँ पे अब ये रोती रहेगी, क्योंकि इसका जो घर है वो तो जल चुका है, क्योंकि ये कम से कम 80 सालों से रह रही होगी इधर, 80 साल की तो होगी। वैसे आपको क्या लगता है कितने साल की हुई होगी, जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दो। और यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। It's gonna work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. जो जॉन है यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी हो रहा है, क्योंकि इसका बेटा चला गया। She'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? The boy will be fine. But, well, of course, Marston's scared rotten. We killed all those people. We stirred up all that trouble for nothing. No, not for nothing. For living. Now, we get that boy back, and we go. Trust me. Hey, Dutch, we got a problem. Not a problem. Visitors. A solution. Good day, fine people. Mr. Vanderlinde, Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. ठीक है, तो यहाँ पर जो पिंकर्स्टन है यहाँ पर फिर चल चुका है। Mr. Morgan, nice to see you again. And to what do we owe the pleasure? Agent Moron. I don't know if you're Agent aware, but Moron, this is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place ain't no such thing as civilized. It's man so in love with greed. He has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlinde. But I came to make a deal. It's time. You come with me. And I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Ain't that fine? I don't want to kill all these people. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बंदा है ना मिल्टन, ये चाहता है कि डच को ही हम जो है इसके हवाले कर दें, और उसके बाद जो है ये हमें 3 दिन दे रहा है यहाँ से भागने के लिए, डिसअपीयर होने के लिए और अपने उल्टे सीधे काम छोड़ने के लिए। बट ये जो डच है ये मानने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर सब ने गोलियाँ निकाल ली, यानी कि गन निकाल ली है।
अभी ये मरने वाला है या फिर उसको निकलना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ तीन बंदे हैं और हम इतने सारे हैं। You're making a big mistake, all of you. Yeah, dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. ठीक है तो यहाँ पर ये बोल रहा है What now? We get out of here. कि यहाँ से हमें जाना पड़ेगा अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो ये जो मिल्टन है ना ये फिर से आएगा हमसे भिड़ने के लिए 50 आदमियों को लेके अगर हम यहाँ से नहीं जाते तो मेरे हिसाब से मुझे हमें जो है यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर मतलब जितनी भी यहाँ पे वुमेन्स है उनको खतरे में नहीं डाल सकते You and Arthur, ride out to make sure no one else has moved in. Lenny, go follow those fools out. ठीक है तो यहाँ पर जो हमें जॉन के साथ जाना है और जो लेनी है वो यहाँ पे जा रहा है उन बंदों को देखने के लिए कि वो यहाँ से निकले या फिर नहीं निकले और बाकी के जो बंदे हैं ना इस कैंप में वो सारे के सारे यहाँ पे पैकिंग करने में मतलब पैकिंग करने के लिए रेडी हो गए हैं और यहाँ पर जो है हमें शेडी बैले के पास जाना है मतलब मेरे हिसाब से किसी टाइप का टाउन होगा जहाँ पर कि हमें अपने जॉन के साथ जाना है अब दो तरीके हो सकते हैं या फिर तो हम यहाँ पे शेडी बैल उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं जैक को या फिर कोई नई जगह ढूंढने के लिए ऑल राइट तो जो जॉन है वो पीछे की तरफ रह गया क्या एक सेकेंड मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है जॉन या फिर शायद से मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं भाग रहा क्या मुझे रुक के देख लेना चाहिए क्योंकि जॉन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा ऑल राइट किधर है भाई ये जॉन साथ साथ में चल रहे मेरे ठीक है तो यहाँ पर जो मिल्टन है ना वो यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि हमने जो है लास्ट टाइम जो है रोड्स में काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार दिया था और उसके बाद यहाँ पे रेत वेट के घर को यहाँ पे जला दिया था इसी वजह से उसने हमारा पीछा करते करते यहाँ पर आ गया मतलब पहले तो हॉर्स ओवर लुक में मिला था हमसे और अभी यहाँ पर आ गया We're getting further from where we're meant to be going. All right. Should be just down this path to the left here. What was you jawing about before? Now, you can't put all this on Dutch. You're worked up. Rightly so. Just don't get too far in your head with all this. You'll never get out. It's a goddamn mess. That's it up ahead. Four walls and a roof. We're moving up in the world. You ain't seen inside it yet. ऑल राइट तो यहाँ पर हम मेरे हिसाब से पहुँच चुके हैं जहाँ तक मुझे पता है ठीक है और यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से हमें आगे की तरफ चल लेना चाहिए बट यहाँ पे शायद से हम पहले भी आए हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शायद यहाँ पे हम जैक को ढूंढने नहीं आए हम यहाँ पर अपने न्यू कैंप के लिए जगह ढूंढने के लिए आए हुए हैं एक सेकेंड ऑल राइट तो यहाँ पर जो है कुछ और बंदे जो है मुझे यहाँ दिखाई दे गए यानी कि जो है मुझे उनको मारना पड़ेगा ऑल राइट यहाँ पर कुछ और लोग यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं इस घर में ठीक है तो यहाँ पर ये वही वाली गैंग है ऑल राइट तो अभी जो है हमें यहाँ पे अंदर की तरफ जाना पड़ेगा क्या बट मैं अंदर की तरफ जाना नहीं चाहता एक सेकेंड I think I hear something. You should get in there. All right. तो यहाँ से तो जो रास्ता है वो एकदम बंद है यहाँ पर ही मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर का जो रास्ता है यहाँ का भी बंद है यानी कि जो है मुझे आगे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा अब All right, और अपनी ये वाली छोटी वाली पिस्टल निकाल लेता हूँ फिलहाल के लिए अभी देखता हूँ अंदर जाके जो मिलेगा ना उसको मैं भूनने वाला हूँ All right. एक सेकंड कोई ना कोई है अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी है ठीक है तो इस साइड तो कोई भी नहीं है ये रहे बंदे निकल
ऑल राइट, यहाँ पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। Any more you upstairs? I'm coming for you. You hear me? ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। You fools should have left when you had the chance. All right. तो मुझे जो है अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ चलकर देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर क्या है? डायनामाइट लग रही है। मैं उसको फोड़ दूंगा तो पूरा घर यहाँ पे लाइक फूट जाएगा बूम बूम करके। All right. किसकी तो? आजा आजा आजा, तेरी तो मैं। निकल बाहर, चेहरा दिखा अपना, निकल। एक को तो मैंने टपका दिया इधर, और यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे जो है इसको खोल देना चाहिए लात मार के। I knew you'd come soon enough. ये कौन लेटा हुआ है भाई? You are some other coward like you. एक सेकेंड। The bounty hunters, the freedmen. ये क्या कर रहा है? The carpetbaggers. All right. मार गया क्या? इसमें तो जान ही नहीं दे रहे, ये तो बूढ़ा था। All right, ये निकल। और कोई है क्या? ठीक है। Come help me with this, will you? तो यहाँ पर जो है मुझे नीचे जाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मैं चल लेता हूँ नीचे की तरफ। इसने भी शायद से डायनामाइट देख ली होंगी, क्योंकि डायनामाइट काफ़ी बड़ी हुई है। All right, क्या कर रहा है इधर? Here, give me a hand moving these bodies. Don't want the others walking into this. ठीक है, ये डेड बॉडी के साथ क्या करने वाला है बे? All right. Follow me. देखते हैं क्या करने वाला है ये। ये शायद से इनको डंप करने वाला है। ऑल राइट, ठीक है, तो हमें इन बॉडीज को यहाँ पे डंप कर देना है। मेरे हिसाब से सारी बॉडीज को डंप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। ऑल राइट, ये गया पानी के अंदर। अबे नहीं गया पानी के अंदर, ठीक है, तो ऐसे आगे की तरफ जाकर इसको लिटाना पड़ेगा मुझे। अभी ठीक है, अभी ड्रॉप कर देता हूँ इसको, निकल पानी के अंदर। I can deal with the rest of the bodies. You go meet up with the caravan. Got to meet. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सारी के सारे जो बॉडीज़ है उनको यहाँ पर अंदर की तरफ जो है मतलब पानी के अंदर जो है डुबा देना है। एक सेकंड, यहाँ पर भी एक बॉडी थी ना, कहाँ गायब हो गई? एक सेकंड, बाहर की तरफ और बॉडी है क्या? एक बार चलकर देख लेता हूँ, शायद से इसने बाहर की तरफ भी किसी को मार दिया हो सकता है। लगता वैसे मुझे कोई नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से मुझे जो है यहाँ पे अंदर की तरफ ही जाना पड़ेगा। ये क्या रखा हुआ है इधर? बायने कूलर्स नहीं, बोतल लग रही है मुझे मून शाइन की। ऑल राइट, तो फटाफट से अभी ऊपर की तरफ चल लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो अपना जॉन है वो यहाँ पर किसी को लेने के लिए गया हुआ है। ऑल राइट, बाकी की बॉडीज किधर है? किधर है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये रही। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी बॉडीज़ को मारा हुआ था, मैं सोच रहा था इनको यहाँ पे लूट लेता पहले। चलो, इसको मैं लूटने नहीं वाला, बाकी की बॉडीज़ को लूट लूँगा जो कि अभी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। उन बूढ़े अंकल से मुझे क्या मिलने वाला है वैसे, मुझे तो ये नहीं पता। मेरे हिसाब से यहाँ पर शायद से बूढ़े अंकल काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए होंगे और यहाँ पर आराम करने के लिए आए होंगे, और शायद से ये इनके लिए लाइक इनको प्रोटेक्ट वगैरह कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट कोई नहीं, यहाँ पर मैं सबको मुझे अभी डुबा देना है इस पानी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बॉडी को तो डुबा दिया, अभी दूसरी बॉडी को भी यहाँ पर फटाफट से डुबा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम होने वाला है। एक एक करके जाओ, एक एक करके लेके आओ। ऑल राइट, ये डुबा दिया मैंने सेकेंड वाली बॉडी को। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है शाम का मौसम हो चुका है, और मेरे हिसाब से जो जॉन है वो सबको लेकर आ चुका है यहाँ पे, और हमारा जो नया कैंप होगा वो अभी ये होने वाला है, एक घर। काफ़ी दिनों से हम ऊपर मतलब खुले में रह रहे हैं, तो अभी ज़रा घर के आनंद भी ले ले रहे चाहिए। बट मुझे इन सब का नहीं पता कि ये जो है अपनी वैगन्स किधर मतलब पार्क करने वाले हैं। Yes. Could I have a word with you? Not now.
ये शायद इससे बात करना चाहती थी, बट यहाँ पे जो आर्थर है काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहा है, यानी कि जो डच है काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहा है, और ये चाहता है हम जो इसके साथ चले। ठीक है तो चल लेता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing about. ठीक है तो हम जो है अभी सैंट डेनिस के पास जाने वाले हैं। Should lead us right in there. All right. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? Few loose ends, nothing major. And John, about what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back, whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places, maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families, losing Sean. I see things differently now. For a long time, I truly believed a paradise lay somewhere in the West for us. But I just don't know anymore. ठीक है तो यहाँ पर अभी हम कुछ दिनों के लिए रुके हुए हैं, और इसके बाद जो हमें यहाँ से फिर से जाना पड़ेगा। I'm still thinking about it. Whatever we do. We'll need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. All right, तो यहाँ पर मैं किसी घर के पास आ चुका हूँ, और ये जो घर है। Okay, there she is, a real city. ठीक है। The future. यहाँ पर काफी सारी फैक्ट्रीज वगैरह भी हैं। Big cities. और ये टाउन नहीं है, एक तरीके की सिटी है। Always repellent. Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. ठीक है तो यहाँ पर ये जो आर्थर है ना, ये यहाँ पर मतलब कि जो डच है, ये यहाँ पर इस सिटी के अंदर कुछ ढूंढने के लिए जा रहा है, और यहाँ पर इसने हमसे भी बोला हुआ है कि हमें भी यहाँ पर कुछ ढूंढना चाहिए। और यहाँ पर ये हो चुकी है चैप्टर 4 की स्टार्टिंग, सेंट डेनिस। ऑलराइट, तो ये जो सिटी है काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लंदन वगैरह में आ चुका हूँ, और ये जो डच है ये पता नहीं किधर होगा। ऑलराइट, और यहाँ पर शायद से सेंट डेनिस की मेन वाली बिल्डिंग है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा भी है, या फिर हो सकता है ये लाइक एक तरीके का वेलकम मैसेज हो यहाँ पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर इन गाड़ियों को मैं निकलने देता हूँ, फालतू में मैं जो है मैंने इनकी जो जगह है वो यहाँ पर रोकी हुई है। ऑल राइट, यहाँ पर बोट भी है, एक सेकंड, और ये जो बोट है यहाँ पर शायद से मोटर से चलती होंगी जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि इनमें चप्पू तो है ही नहीं यार, ये काम भी सही है। ऑल राइट, और यहाँ पर लिखा हुआ है, एकदम वार्निंग दी हुई है कि यहाँ पर कोई स्मोक वगैरह जो है नहीं कर सकता है। ठीक है तो इस वाले आडिया 2 के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जो आडिया 2 का एपिसोड है पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर आपको ये जो नई वाली सिटी है ये आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर से आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ आडिया 2 के नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसे किसी एक न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।